हाय फूडीज, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक होंगे, एकदम टिप टॉप मज़े में। आज कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ मैं आपसे, आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ जो बेकिंग की बेसिक चीज़ें हैं, जो कि अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ है इसका करने का, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं और कम पैसों में आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, तो बस उसी से काम चल जाएगा अभी फ़िलहाल के लिए। तो बताती हूँ मैं आपको, तो ये है हैंड मिक्सर। और हैंड मिक्सर जो है आपके लिए लेना बेहद ज़रूरी है अगर आप बेकिंग करना चाहते हैं, तो हैंड मिक्सर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो फ्लफ़ीनेस आती है और जो आता है ना इसका पेस्ट बनकर, वो अलग ही ज़बरदस्त चीज़ होती है। और इसके बाद है हमारे मेजर कप, यानी स्पून, ये स्पून सेट भी है इसके साथ साथ, और ये मेजर कप हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं बेकिंग करने के लिए, क्योंकि आपको बेकिंग में जो है ना मेजरमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, कप्स के हिसाब से, स्पून्स के हिसाब से, टेबलस्पून के हिसाब से, क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो आपकी बेकिंग की कोई भी चीज़, केक हो गया आपका, या आप कुछ भी बना रहे हो, टी केक बना रहे हो या स्पॉन्जी केक बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो वो उसके लिए ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हम लेंगे मिक्सिंग बाउल, आप छोटा बड़ा जैसे भी साइज़ का लेना चाहें, जो भी ईजी अवेलेबल हो घर पर, चाहे वो आप प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हो, स्टील का या ग्लास का, तो कोई मसला नहीं है, वो आप कोई भी आप कर सकते हैं आराम से। और इसके साथ साथ हमें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है फ्लोर सिफ्टर। उसके बगैर जो है ना वो अधूरा है, क्योंकि जितना भी जो होता है ना ऑल पर्पज फ्लोर या कोई भी हम जो भी चीज़ छान रहे होते हैं उसके लिए वो एयर को हटा देता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ साथ जो है हमारे साथ लूफ पैन है, पिज़्ज़ा पैन और मफिन पैन है, ये जो कि बेसिक्स हैं, और मेरे पास यही अवेलेबल थे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी मैंने और भी परचेज़ करने हैं, जो मुझे जो जो चीज़ की नीड हुई थी तो मैं वैसे वैसे इसको ख़रीदती गई थी। कभी भी इकट्ठा आप लोग वो ख़रीद देना, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप ख़रीद नहीं पाएंगे और थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसके साथ साथ कप के क्लाइनर्स हैं, मफिन कप्स भी इनको बोल सकते हैं, आप ख़रीद लें। तो आस्ता आस्ता चीज़ों को परचेज़ कीजिए, ताकि आपके ऊपर भार भी ना पड़े, और जो बेकिंग का शौक़ रखने वाले हैं वो हमेशा उसको थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदते जाएँ, जैसे कि मैंने किया था। मैंने भी आस्ता आस्ता ख़रीदना स्टार्ट किया था। तो आप लोगों की प्यार मोहब्बत और अपनापन जो है वो इस लेवल तक लेकर आया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने रब्बे कायनात की बहुत शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद आप लोगों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों का प्यार मिल रहा है इतना ज़्यादा। और इसके साथ साथ है केक स्पैचुला, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी केक की शेप को बनाने के लिए। जैसे कि आप केक बनाते हैं तो आप उसके राउंड पे या इसके बिल्कुल फ्रंट के ऊपर जो इसको आप आइसिंग कर रहे होते हो केक की, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो छोटे छोटे साइज़ के भी आते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज़ के होते हैं, तो ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। अभी तक मैंने इन्हें यूज़ भी नहीं किया है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी जो है वो केक आइसिंग वाली रेसिपी भी मैं लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए गाइस। और इसके साथ साथ है रोटेटिंग केक स्टैंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है केक बनाने के लिए। कैसे आप आइसिंग कर पाएंगे उसके बगैर, तो अधूरी है, आइसिंग नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है या आपके पास नहीं है, तो आप बड़ी प्लेट को जैसे उल्टा करके रख दें और उसको हाथ से हिलाते जाएँ, लेकिन वही मसला आएगा कि थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा ना आपको, तो उस वजह से जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी होता है केक की आइसिंग, केक आइसिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ट्रे है, ट्रे स्टैंड है ज़बरदस्त। और इसके साथ साथ बेकिंग पेपर, बेकिंग पेपर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केक मेकिंग, इसके लिए जो है ये इसका होना बहुत ज़रूरी है। बस एक दफ़ा परचेस करके रख लें, वो भी चलता रहेगा बहुत देर तक। और बिस्किट, और बिस्किट कटर है मेरे पास, मैंने बिस्किट की रेसिपी बनाई हुई है इससे, तो ये हमारे केक की शेप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज़बरदस्त रहती है। इसे जैसी मर्ज़ी आप शेप दे सकते हैं और डेकोरेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ है केक कटर नाइफ, ये इतनी ज़बरदस्त नाइफ है ना, ये देखें ऐसे आगे से बनी हुई है, जिग जैग टाइप सी, तो इसमें क्या है कि आप जो केक है बहुत परफेक्टली इसको काट सकते हो। और इसके साथ पेस्ट्री ब्रश, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत 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 ज़रूरी है जी, इस ये तो लेना बहुत ही ज़रूरी है, इससे आप बहुत ज़बरदस्त और इजीली काम को कर सकते हो।
इसके साथ साथ आते हैं हमारे पास रबर स्क्रैबर्स, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि आपकी जो आपका बैटर बना होता है वो ज़ाया नहीं होता है, एक एक जो आपका होता है ना बैटर का थोड़ा सा भी ज़र्रा वो उससे ज़ाया नहीं हो पाता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपकी बेकिंग के पार्ट्स में, टूल्स में। और इसके साथ विस्क, जो कि अगर हैंड बीटर नहीं है तो फिर कहते हैं ना हिम्मत बीटर, मैं कहती हूँ हिम्मत बीटर, तो ये हिम्मत बीटर है, तो अगर वो ना हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ है पेस्ट्री बैग्स एंड पेस्ट्री ट्रिप, और ये इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इजी है इसको यूज़ करना, बहुत मुश्किल नहीं है। और फर्स्ट में मैंने यही ख़रीदा था, मेरे पास यही अवेलेबल था पास इर्द गिर्द में, तो मैंने यही ख़रीदा था। बट जो प्रोफेशनली हैं वो स्टील्स में आते हैं, तो वो अभी तक मैंने परचेज नहीं किए हैं, मेरे पास बस यही अवेलेबल है, वो भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द परचेज़ कर लूँगी। तो आपको जो भी अवेलेबल हो स्टार्टिंग में तो आप ले सकते हो। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे लिया रुमाल, और रुमाल क्यों ज़रूरत पड़ेगी कि अगर आप ग्लव्स नहीं हैं अभी फ़िलहाल आपके पास और आप उसको बाय नहीं कर सकते या कॉस्टली हैं, तो आप रुमाल की मदद से इसको अपने काम को कर सकते हैं। होप के गाइस आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने बहुत ही क्लियर डिफाइन किया हर चीज़ को। होप के आपको अच्छी लगेगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, और वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।